लोग यदि ये समझ के किसी ज्योतिष के पास जाते कि एक जादूगर है और आपके जीवन में कोई बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव सिर्फ किसी ज्योतिष से मिलने से आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की। सिर्फ ज्ञान को रख के रखने से तो कुछ भी नहीं होगा, उस ज्ञान को जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाएंगे। बार बार प्रश्न उठता है ज्योतिष पे, बहुत प्रश्न उठता है कि सही है, गलत है, भ्रम है, भुलावा दिया गया है या ठगा गया है, इस तरह की सारी चीजें होती है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, सुश्री भूमिका कलम जी। आप एस्ट्रोभूमि के फाउंडर हैं, सीईओ हैं और इंटरनेशनल एस्ट्रो एनालिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हैं। आपने श्री विद्या टैरो, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, अंक विज्ञान, वास्तु विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष को लेकर जो हमारे मन में भ्रम या जो मत मतांतर होते हैं, उनको हम कैसे अपने जीवन में स्वीकार करें, अस्वीकार करें, देखें, पालन करें। तो आज हम बातें यूपी चैनल में आपका स्वागत करते हैं और उनके जो दर्शक हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल आपसे हम करेंगे। सबसे पहले जो एक चीज़ आती है कि हम ज्योतिष को लेकर कई बार भ्रांतियों में पड़ जाते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इसे कैसे स्वीकार करें हमें ये पता नहीं होता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हमारे दर्शकों को बताएं कि हम क्या माने, क्या ना माने, किसे स्वीकार करें, किसे अस्वीकार करें, थोड़ा आसान शब्दों में इसे बताने को। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि समाज में ज्योतिष मानने वाले और नहीं मानने वाले लोग हैं और सब तरह से चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि क्या हमारे लिए कितना कैसे सही है। जैसे जीवन के हर निर्णय लेते समय हम कई बार दुविधा में होते हैं, द्वंद्व की स्थिति होती है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो करियर को लेके एक बहुत बड़ा, माता पिता के सामने भी उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बच्चे को क्या करना है, उसकी च्वाइस क्या है, उसके क्षमताएँ क्या हैं, वो कितना कैपेसिटी में जा के चीज़ों को कर सकता है। ऐसे समय में ज्योतिष को यदि हम देखें तो जैसे ज्योतिष का एक हम नाम देख रहे हैं, ज्योतिष यानी ज्योति और ईश, आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति यानी प्रकाश हुआ, ईश्वर की तरह से प्रदत्त किया हुआ एक प्रकाश है। अब प्रकाश किस लिए होता है कि आपको एक मार्ग दिखा दिया जा रहा है कि आप इस मार्ग पे इस तरह से चल सकते हैं। यदि उबड़ खाबड़ है तो आपको साइड से निकल जाना है और स्मूथ है तो आप अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं जी। बिल्कुल ज्योतिष की भूमिका ऐसी ही है, ज्योतिष विद्या की। लेकिन ज्योतिषाचार्यों की जब हम बात करते हैं तो लोग यदि ये समझ के किसी ज्योतिष के पास जाते कि एक जादूगर है और आपके जीवन में कोई बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव सिर्फ किसी ज्योतिष से मिलने से आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की कि किसी ने आपको भविष्य बता दिया है कि भाई आपका राजयोग है। अब आपने सुन लिया कि राजयोग है और आप कंबल तान के घर जाके सो गए तो वो राजयोग कभी कार्यकारी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि राजयोग का मतलब है कि आपके प्लैनेट्स आपको उस दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप उस कर्म को करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है जी। इसी में आपकी बात में जो सबसे पहले आपने कहा कि स्टूडेंट्स को लेकर भी वो रहता है, तो आज के अगर हम युवाओं की बात करें तो जैसे एक उनके मन में ये बात आ सकती है कि जब सब कुछ नियति में बंधा है, मतलब मुझे अगर आईएएस बनना है तो बनना है, इसमें हमें क्या करना है, तो इसको कहाँ तक वो किया जाए, भाग्यवाद और कर्मवाद को आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जीवन को मैं जिस तरह से, मैं ज्योतिष में खुद साइंस के स्टूडेंट रही हूँ तो मैं जैसे जीवन को देखती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कर्म और भाग्य का। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ 100% कर्म ही करते रहें और हम लक फैक्टर को इग्नोर कर दें, वो भी नहीं चलेगा। और 100% हम यदि सिर्फ लक पे ही डिपेंड हो जाएं कि भाई सब तो होना ही है, मेरे तो कुंडली किसी ने देखी कि मेरा तो गवर्नमेंट जॉब लगना है, मुझे तो आईएएस बनना है या जो भी पद मुझे मिलना है वो मिलेगा ही, तो बस अब ठीक है सब, और आप उसके बाद कर्म करना छोड़ दें,
आप उसके लिए वो प्रयास करना ही छोड़ दें तो ये तो संभव ही नहीं है। तो एक बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है हमारा जीवन कर्म और भाग्य का। हम यदि एक संतुलन बना के रखते हैं कि यदि भाग्य के अनुसार हमें कोई चीजें पता है, उसकी जानकारी, और सही जानकारी बोलूंगी बार बार मैं, क्योंकि लोग गलत जानकारी भी स्प्रेड करने में लगे रहते हैं, तो यदि आपको सही जानकारी और आप उस दिशा में कर्म भी कर रहे हैं तो जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऊर्जाएं आपको उस कार्य को करने के लिए और प्रोत्साहित करती हैं ताकि आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर सके और रिजल्ट आपके पॉजिटिव आ जाए। जैसे इसी में आपने कहा कि सही जानकारी की बात है, तो आज के समय में डिजिटल युग है, हम आप भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नए ज्योतिषाचार्य, कुछ शो कॉल्ड भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति और खासकर युवा जो डिजिटल पे ही विश्वास करता है और डिजिटल को ही वो मानता है, वो कैसे इस चीज़ को माने कि ये सही है, या उसको ये परख हो कि ये सही नहीं है, कितना उसको जाना चाहिए, कितना देखना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस चीज़ के लिए ज्योतिष में ही बताया गया है कि आपको कितना फॉलो करना है। जब हम पाराशरी पढ़ते हैं, एक सिद्धांत है जो हमारे ऋषि पाराशर ने लिखा है जिससे पूरा ज्योतिष के सिद्धांत आए हैं बेसिक, उसमें हमारे 9 ग्रह हैं, 12 घर, यानी कि हमारे जन्म से मृत्यु तक की हर जो कर्म हम करते हैं उसके बारे में डिटेलिंग है। लेकिन उसमें भी स्पष्ट बताया गया है कि आप जब एक बार ज्योतिषीय जानकारी अपने जीवन के लिए ले लेते हैं तो आपको उस दिशा में कर्म करना है, ना कि आपको उसको लेके बैठे रहना जी। जैसे गीता में भी ये चीज़ बहुत स्पष्ट दी गई है कि ज्ञान पहले ज्ञान योग है और फिर तीसरे नंबर पे कर्म योग है, जो हमारा तीसरा है। तो ज्ञान योग में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज़ बहुत एक्सप्लेन की अर्जुन को, तो वो भी कन्फ्यूज हो गए कि आप मुझसे इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, फिर आप अब आप तीसरे इसमें मुझे अब कर्म की बात क्यों कर रहे हैं आप, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। उस समय भगवान इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि सिर्फ ज्ञान को रख के रखने से तो कुछ भी नहीं होगा, उस ज्ञान को जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाएंगे। मान लीजिए किसी ज्योतिष से मिलके आपको जानकारी हो गई कि आपको ये करना है, आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। अब अच्छे और बुरे की परख आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी नॉलेज की बात यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति के बोलने, भाव और उन सारे तरीकों को एक बार खुद के स्वतः विवेक से एनालाइज कीजिए। जैसे आजकल हमारे यहाँ कि भाई गुरु बनाना है, किसे बनाना है, तो हम इस चीज़ को करते हैं कि भाई एक तो जिसकी तरफ आपका भाव बह रहा हो आप उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लें, या जिस के लिए आपका मन आपको उस तरह से कह रहा है कि भाई हम इससे कंफर्म हो रहे हैं, तर्क भी हमारे वो हो रहे हैं, तो हम अपना सरेंडर कर सकते हैं। बिल्कुल ज्योतिष में भी आप ज्ञान की परख जरूर कीजिए, लेकिन कितना मानना और कितना देखना है ये आपके स्वयं के विवेक पे भी निर्भर करता है। आप दिन भर यदि भविष्यवाणियां सुनते रहेंगे तो दिन भर भविष्यवाणियां सुनने से भविष्य नहीं बनेगा जी, सिर्फ समय बर्बाद होगा। आपको कर्म, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस मेरे कुंडली के किन ग्रहों में क्या एनर्जी है जो मुझे और ज्यादा बढ़ानी है और उस दिशा में मुझे कर्म करना है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि कर्म और नियति, भाग्य और कर्म, इसमें आप कैसे अलग अलग कैसे करेंगे, या किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, या कितना अगर हम 100 नंबर मानते हैं तो किसको कितने नंबर देंगे, किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं? मैं इसको एक युवाओं के दृष्टिकोण से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें कितना रखना चाहिए कि भाई 50% हमको कर्म है, 50% भाग्य है, या 80% कर्म है, 20% भाग्य है, या इसको आप कैसे अपना अनुभव करेंगे? देखिए, कर्म और भाग्य के यदि प्रतिशत की बात करें तो एक तरह से कर्म हमेशा ही आगे रहेगा। हाँ, लेकिन भाग्य ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ताली नहीं जा सकती भाग्य में। बहुत सारी ऐसी कर्म की हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस चीज़ का उल्लेख है कि कई असुरों ने भी ऐसी कुछ क्रियाएं की, विद्याएं हासिल की जो उनके प्रारब्ध में नहीं था या उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन उन्होंने उस कर्म से उसको अचीव किया। ये दूसरी बात है कि वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि वो उनके भाग्य में नहीं है। इसी तरह से जब हम कर्म और भाग्य के एक संतुलन की बात करते हैं या
परसेंटेज की बात करते हैं तो मैं हमेशा कर्म को उस पर एक 2% आगे ही रखती हूँ, क्योंकि जो एफर्ट होते हैं उसी की एनर्जी से भाग्य बनता चला जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं हस्तरेखा से आपको देना चाहूँगी कि हमारे दोनों हाथों में ये हमारी हाथ की लकीरें हमारे हाथों में तब बनती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, लगभग 6-7 महीने के आसपास, और उसी सेम समय में हमारा मस्तिष्क का भी विकास माँ के गर्भ में हो रहा है। तो जब मस्तिष्क का लेफ्ट और राइट ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके न्यूरोनिक पैटर्न्स बन रहे हैं, उसी समय में हमारे हाथ की रेखाएं डेवलप हो रही। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो उसका कोई भाग्य नहीं है, वो कर्म नहीं है ना भाग्य है। इसी तरह से जैसे जैसे बड़े होते हैं हम जो सीखते हैं वातावरण और भाग्य कर्म दोनों निर्मित करते जाते हैं भाग्य की तरफ, और उसी के तरह हमारी प्रवृत्तियां बनती चली जाती हैं, उसमें हमारा भाग्य इंक्लूड होता चला जाता है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है कैसे। और एक समय ऐसा आता है कि हम कहते देखिए उसका तो भाग्य था इसलिए जो स्पून सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है। तो ये भी सही है कि यदि प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है, पूर्व जन्म के जो हमारे सनातन में बताया गया कि हमारे पुराने जन्मों में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हमारा विचार अच्छा रहा, इंटेंशन अच्छा रहा है, तो हमारा जन्म ऑलरेडी मतलब कुछ प्रतिशत हमारा भाग्य वहाँ पे काम कर देता है कि आपका जन्म ही एक ऐसी फैमिली में हो रहा है जो आपको आगे जाके मोटिवेट करने वाले हैं आपके जीवन के लिए। तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर सा बैलेंस तो है, लेकिन फिर भी कर्म जो है वो 1% आगे निकल जाता है भाग्य से। तो यही अब परीक्षाएं आने वाली हैं जी, बहुत से बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि माता पिता भी और खुद जो बच्चे भी होते हैं वो अलग अलग तरीके की चीजें सोशल मीडिया से देख के उसको फॉलो करने लगते हैं, और कई बार उनका अगर सामान्य देखा जाए तो बहुत अर्थ नहीं रहता है, और विशेषज्ञ के तौर पर आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो इनसे बचने के लिए क्या करना होगा, या इसमें से क्या सही वो छांट लें अपने लिए, या किसके लिए क्या बेहतर होगा, किस तरीके से इसके कुछ ऐसे टिप्स क्या आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि उनको ये पता चले कि यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम सही हैं, इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये चीज़ उचित नहीं है या ये हमारे लिए नहीं है, इस पर कुछ आप। हाँ देखिए, हमारी परंपराओं में हर चीज़ बहुत ही माइन्यूटली बताई गई है। अभी जैसे बसंत पंचमी आ रही, बसंत पंचमी में हम क्या करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती विद्या की देवी है जी। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है, बहुत ज़्यादा पढ़पंच में आपको पढ़ना नहीं है, माँ सरस्वती के कुछ मंत्र हैं, बीज मंत्र है, जैसे उनका बीज मंत्र है एम। जब हम एम का उच्चारण करते हैं तो स्वतः ही हमारा जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर एक प्रेशर होता है इस गूंज से, जिसको हम एक साउंड कनेक्शन या साउंड थेरेपी कहते हैं। जब आप बार बार एम का उच्चारण करेंगे या एक एम सरस्वते नमः इस मंत्र का चैंट करेंगे पढ़ने के कुछ देर पहले, तो जब आप बार बार आपको समझ में आएगा कि मैं एम कर रहा हूँ और इससे यहाँ पे मुझे धीरे धीरे ध्वनि समझ में आ रही है, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि हम आज्ञा चक्र बोल ही रहे ना इसीलिए कि आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट कर दे आपकी चीज़ों पर। तो आप विद्यार्थियों के लिए तो माँ सरस्वती का साधना सबसे ही उत्तम है, आपको बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली सुझाव है माता पिता के लिए भी कि बाकी जितने भी उपाय यदि कोई बहुत ज़्यादा बता दिए जाते हैं तो माता पिता स्वयं कर लें, बच्चों को उनका असर हो ही जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई की तरफ वो ही मोटिवेट रखें कर्म की तरफ, लेकिन हाँ सरस्वती वंदना सरस्वती मंत्र से हमारा फोकस बढ़ता है, क्योंकि उस मंत्र की साउंड रेस, जैसे मैंने एक बीज मंत्र से ही आपको बताया कि उसकी साउंड से हमारा फोकस बढ़ रहा है। तो आप पढ़ने के 5 मिनट पहले या तो उसको अच्छे से सुन लीजिए या खुद चैंट कर लीजिए। तो आपका ये है कि हमें एकाग्रता एकाग्रता बढ़ानी, एकाग्रता बढ़ानी बिल्कुल, ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो डिस्ट्रक्शन ना हो। तो मतलब मंत्रों का जो आपका कहना है कि मंत्रों का प्रयोग इसलिए हो कि वो हमारी एकाग्रता को बढ़ाए, वो उसी के लिए, वो ध्यान की एक अगली प्रोसेस, मतलब एक समझिए कि मेडिटेशन में जाने के लिए आपको बताया जाता है उसकी एक पहली सीढ़ी है कि आप जब मंत्र चैंट करते हैं तो आपका ध्यान बाकी चीजों से हट जाता है, तो आप वहाँ आके एक बार थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को सेटल करते हैं, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सूदिंग करते हैं, एंड फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको रिकॉल रहे, याद रहे,
उसको यूज तो कर मतलब जो बहुत सारे कर्मकांड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। बिल्कुल, विद्यार्थियों को तो बहुत समय अपना अपनी पढ़ाई में ही देना चाहिए। बहुत हमारे हर चीज़ में बहुत स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ के लिए देवी देवता, इसलिए क्योंकि वो उस ऊर्जा के अधिकारी हैं। और आप जब उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की बात करते हैं, उसको इन्वोक करने की बात करते हैं, तो ये सबसे सुंदर बात है कि आपको किस समय क्या चाहिए। आपको एज अ विद्यार्थी आपको उस समय विद्या चाहिए, उसके कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें शक्ति की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ माँ दुर्गा हैं, उनका बीज मंत्र है, हर चीज़ के लिए है। आपको भय लगता है तो आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उसमें दिया ही हुआ है सारी चीज़ें। हर शब्द का एक बहुत सुंदर मीनिंग है, लेकिन आप बिल्कुल मीनिंगलेस होके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया है जी। तो ये बहुत औचित्य नहीं रखता है, ये आपको बहुत पॉजिटिव नहीं करेगा, ये कोई चमत्कार जैसा नहीं करेगा कि आपके जीवन में अचानक कोई जिन या देवता या कोई ऐसा आएंगे और आपको कुछ आपका एग्जाम लिख देंगे, या आपने कुछ भी नहीं लिख के आए और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, आपने इस बीज मंत्र का वो पाठ किया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज है। इसी में बच्चों के साथ साथ ही हम ये चाहेंगे कि आप उनके माँ बाप को भी ज्योतिष के इस उसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि माँ बाप भी बच्चों को लेकर थोड़ा इनसिक्योर से हो जाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ों में वो पड़ जाते हैं जो आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान होता है और कई बार समय भी नष्ट होता है तमाम चीज़ें। तो इसमें आप क्या कहेंगे, थोड़ा उनको नटखल। देखिए, मैं एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है मेरा इस चीज़ को लेके, बच्चों को लेके स्पेशली, कि जब तक बच्चा 12-15 साल का नहीं हो जाता, इतना वर्ष आयु नहीं होती, तब तक माता पिता को बच्चों के लिए ज्योतिष के पास बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। तब तक उस बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत माता पिता को काम करना चाहिए। उसके बाद आप उनके करियर की जहाँ बात आती है, टेंथ के बाद या टेंथ के पहले भी, आप बच्चे की रुचि के अनुसार उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, बच्चे से बात कर लीजिए। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक गाइडेंस मिल जाता है ज्योतिष में, कुंडली के अनुसार, जब हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि बच्चे की भी रुचि बन रही है उसी विषय में, तो बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि मान लीजिए बच्चा कुछ और करना चाहता है लेकिन ग्रहों की वो चीज़ें नहीं हैं, उस समय अलाउ नहीं हो रहा है, तो आपको उस समय बात करनी चाहिए कि क्या बच्चे की रुचि से संबंधित विषय लेने पर उसको सफलता का प्रतिशत कैसा रहेगा, और यदि हम इसमें एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं तो क्या रहेगा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। 10-15 साल के पहले यदि कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य का इशू किसी बच्चे को नहीं है, तब तक ज्योतिषियों के पास बहुत ज़्यादा वो कुंडली बनवाना, और ये कुंडली भी मेरा कहना है कि 10-15 वर्ष के बच्चे की ही बनवानी चाहिए जी। उसके बाद करियर गाइडेंस के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि किस तरफ उनके ग्रहों की ऊर्जाएं उनको आगे मदद कर सकती हैं, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल साइंस है ये। जब हमारा जन्म होता है उस वक्त चंद्रमा सहित जितने भी नक्षत्र हैं, हमारे 27 नक्षत्र, ये जिस दशा दिशा में होते हैं बच्चे के जन्म के समय, वही प्लैनेट्स हमें पूरे जीवन हेल्प करते हैं हमारे निर्णय लेने में, हमारी कार्य क्षमताओं में, और हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे उसमें। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि यदि हमारे जन्म के समय जो हमारा चार्ट बना है, कुंडली बनी है, उसके अनुसार हम यदि ग्रहों को स्थिति देखते हुए उस विषय का भी चयन कर लें जी, और उस विषय के अनुसार हम आगे बढ़े, मेहनत कर लें उसी फील्ड में, तो देखिए सफलता सुनिश्चित हो गई, क्योंकि आपने वही काम किया जिसकी ऊर्जा ऑलरेडी आपके भीतर बह रही है, और इसमें आपको बहुत अपोज एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि 40 साल की उम्र में लोग हमारे पास आके पूछते कि हमें क्या करियर करना, क्या करियर, आप क्या हमें काम करना चाहिए, तो एक बहुत ही दुविधा वाली स्थिति हो जाती। इसीलिए 15 साल से 17 साल में आप एक बार अपने करियर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत अंधविश्वास में होके नहीं, बच्चे की रुचि फिर से वहाँ पे एक बहुत विषय है। कई बार जो ग्रह बहुत उनके स्ट्रांग या पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं, बच्चे की रुचि वैसी ही होती है जी। कई बार जो आसपास वातावरण है, बच्चों के जो दोस्त हैं, उनसे सुन के बच्चे प्रभावित होते हैं और वो उस तरह का करियर चुनना चाहते हैं, तो माता पिता को उनकी बात सुननी चाहिए,
और उस तरह से फिर उसका एक समाधान निकाल के उनको उस तरह से तैयार करना चाहिए। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कर्म और भाग्य का मिश्रण ही आपको सफल बनाता है, और कर्म करते ही रहना है। किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। चमत्कार बिना कर्म से चमत्कार हो सकता है, बिना कर्म के चमत्कार भी नहीं होता। आप यहाँ आए, मेरा अनुरोध है कि आप बातें यूपी के दर्शकों के लिए जी। एक संदेश जी। जो आप देना चाहें धर्म और आध्यात्म को लेकर, तो कृपया। मेरा एक बहुत एक जो मैं अपने मन से सबको बात कहना चाहती हूँ, और ये बार बार प्रश्न उठता है, ज्योतिष पे बहुत प्रश्न उठता है कि सही है, गलत है, भ्रम है, हम में मतलब भुलावा दिया गया है या ठगा गया है, इस तरह की सारी चीज़ें होती है। ज्योतिष एक विद्या है, एक तरह का ज्ञान है, एक तरह का साइंस से कनेक्टेड मार्गदर्शन है आपके लिए। लेकिन आप यदि पूर्णतः सिर्फ किसी एक चीज़ पर ही स्टक हो जाएंगे अपने जीवन में, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ लेने के लिए हर चीज़ को संतुलित तरीके से हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। ये पहला सिद्धांत ज्योतिष का है। और दूसरा ये है कि यदि आप भक्ति के अनुसार किसी चीज़ को फील करके और फिर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको जो भी ईश्वर, जो भी ऊर्जा कनेक्ट करती है आपके हार्ट से, आपको लगता है कि मैं इनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, और हमारे जीवन के हर पड़ाव पे ये कनेक्शन बदलते भी हैं, उसमें भी बहुत माइंड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज अभी इसी समय हम जिनसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हमें उनसे सबसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, ध्यान में जाना चाहिए। आप उस ऊर्जा को, मान लीजिए आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, आप महाकाल को बहुत मानते हैं, आप देवी को बहुत मानते हैं, आप उनके समक्ष बैठिए, 5-10 मिनट हाथ जोड़ के और 100% सरेंडर कीजिए कि मैं इस स्थिति में हूँ, इस द्वंद में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपको खुद से ही, स्वयं से ही आपको उस चीज़ का समाधान मिल जाएगा थोड़े ही समय में। ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप यदि आपको लगता है कि ज्योतिष भ्रम है, हम इस चीज़ को नहीं पालन कर सकते, लेकिन ईश्वर की जो शक्ति है वो कभी भ्रम नहीं हो सकती, वो आप सब, हम सब के भीतर बह रही है, हर क्षण प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रवाह को महसूस करते हुए आप जो कनेक्ट फील करते हैं, उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातें यूपी चैनल की ओर से, और हम फिर अगली बार किसी नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे, और लोगों का इससे ज्ञानार्जन भी होगा और मार्गदर्शन भी होगा।